सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को, सभी ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हुए एक संकल्प के साथ हम रामायण के इस पाठ को शुरू करते हैं। जितनी देर भी हम एक घंटा इस पाठ को पढ़ेंगे तो महर्षि वाल्मीकि जी की चेतना के साथ ही अपने चेतना को मिलाते हुए और उसी भाव से इस पाठ को एक यज्ञ समझते हुए, भगवान की पूजा समझते हुए इस पाठ को पढ़ेंगे। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी अश्वमेध यज्ञ के लिए महाराजा दशरथ सभी अपने विद्वानों को, द्विजों को और जो वशिष्ठ आदि कुल गुरु हैं उन सबको बुलाते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अपने क्यों ना यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया जाए। सभी उनके विचार की प्रशंसा करते हैं और उनका कहना है कि जो भी काम करते हैं उसको कैसे किया जाए, शास्त्र विधि के अनुसार किया जाए, क्योंकि वही कर्म महापुरुष भी करते हैं, वही कर्म सामान्य व्यक्ति भी करते हैं। मतलब ऐसे तो सभी सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने की दृष्टि से तो सबका जीवन एक ही जैसा है प्राण की दृष्टि से तो, लेकिन वास्तव में देखें तो फिर सबका जीवन अलग अलग है। जैसे सांस तो ये भी ले रहे हैं ना, पौधे भी तो जीवन तो इनमें भी है, ये भी एक जीवन का स्तर है। फिर सांस तो गाय भैंस पशु पक्षी वो भी ले रहे हैं, तो वो भी तो जीवन ही है, लेकिन वो जीवन कैसा है, पार्श्विक जीवन है वो। तो एक ये वनस्पति जीवन है, एक पार्श्विक जीवन है, एक फिर मानव जीवन है। फिर मानव जीवन में भी उसके चार स्तर हैं। एक सामान्य जीवन है मनुष्यों का, शरीर जरूर मनुष्य का मिला है लेकिन जीवन कुछ पशुओं से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, वैसा ही है लगभग, तो वो बिल्कुल सामान्य जीवन कहलाएगा। फिर दूसरा, थोड़ा सा कुछ सोचते हैं उसके बारे में कि कुछ मनुष्य होकर के किसी की सेवा भी की जाए, किसी को थोड़ा दान भी दिया जाए, किसी का थोड़ा भला भी किया जाए, कुछ शास्त्र आदि सत्संग आदि भी सुना जाए, कुछ थोड़ी बहुत उन्नति की जाए, ऐसा सोचते भी हैं, ऐसा करते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई अभीप्सा नहीं है उनमें। ठीक है, तो ये मध्यम कोटि का जीवन है। फिर एक होता है उच्च कोटि का जीवन, ऋषि कोटि का जीवन। कुछ मिले ना मिले लेकिन चाहे इस जन्म के दोषों के संस्कार हैं, चाहे अनेक जन्म जन्मांतरों के, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, पाप हैं, तो वो थोड़े नहीं हैं,
अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों से पता नहीं कितनी परत पे परत, परत पे परत, परत पे परत चढ़ी हुई, अभी भी चढ़ती जा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा जागरूक होकर के उसको हटाने के लिए हर दिन, हर घंटा और फिर हर घंटे में भी वो बहुत ऊंची स्थिति हो तो प्रतिपल जागरूक रहते हैं। जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमेशा बोलते रहते थे, हे नाथ, हे नारायण, मैं आपको कभी ना भूलूं। महाराज जी भी बोलते रहते हैं, महर्षि दयानंद भी बोलते रहते थे, यद भद्रम तन्नास्व दुरितानी परास्व। तो भद्रकार्थ स्वामी जी ने बताया ना, भदि कल्याणे सुखे च। भद्र का मतलब क्या है? भद्र वो है जो सुखकारी भी हो और कल्याणकारी भी हो। सुखकारी मतलब अभ्युदय, कल्याणकारी मतलब निश्रेष। ये संस्कृत भाषा में ही हो सकता है। और ये जो अर्थ ढूंढने की जो पद्धति है, ये कितना बड़ा उपकार है महर्षि दयानंद का। नहीं तो भद्र की भाषा पता ही नहीं चलता, यद भद्रम तन्नास्व क्या है। ये महर्षि दयानंद की कृपा है, उन्होंने बताया कि अर्थ कैसे निकाले जाते हैं मंत्रों के। तब एक छोटा सा शब्द है भद्र, लेकिन अर्थ उसमें पूरी लौकिक उन्नति आ गई और पूरी आध्यात्मिक निश्रेष आ गया। निश्रेष का मतलब है मोक्ष से पहले की जो अवस्था है, चाहे वो मेधा है, प्रज्ञा है, संप्रज्ञात समाधि है, वो सब का सब अभ्युदय के अंतर्गत ही आएगा। और निश्रेष का मतलब है जीवन मुक्ति की अवस्था। तो वो भी प्रतिपल ऐसे मतलब जागरूक रहते थे वो, कि यद भद्रम तन्नास्व, जो भी भद्र है वो हमारी तरफ आए। हर पल ऐसा हो कि या तो उससे लौकिक उन्नति सिद्ध होती हो, या तो उससे आध्यात्मिक उन्नति, निश्रेष की उन्नति सिद्ध होती हो, ऐसा हमारा हर पल हो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट कर आना। सुबह आज जो जी लिया वो कभी हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आज जो योग कर लिया सुबह वो कर लिया, आज जो उपासना कर ली सो कर लिया, वो टाइम नहीं आएगा। नहीं की तो भी गया, की तो भी गया, वो तो गया। तो ये होता है उच्च स्तर का जीवन, इसका नाम भी जीवन ही है, जो ऐसे जागरूक होकर के जीते हैं। तो ये श्रेष्ठतम जीवन है। सामान्य जीवन, मध्यम जीवन, फिर श्रेष्ठ जीवन, फिर श्रेष्ठतर जीवन, और उससे भी ऊंचा है फिर दिव्य जीवन। चार तो ये हो गए, पांचवा है दिव्य जीवन, डिवाइन लाइफ। दिव्य जीवन वो है कि जब एक लेश भी नहीं बचा ज्ञान का, अविद्या का, जीवन मुक्त हो गए और सब जगह उनको ब्रह्म की ही अनुभूति होती है। जैसे कि अर्जुन को हो गई ना गीता में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृतिर्लब्धा का मतलब ये ही है, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, ये है स्मृति। स्मृतिर्लब्धा मतलब जब व्यक्ति को बिल्कुल साफ साफ दिख गया कि ये मेरा स्वरूप है, मैं एक आत्मा हूँ। और उस आत्मा हूँ ये तो हमें शब्द प्रमाण से भी पता चलता है और अपने अनुमान प्रमाण से भी पता चलता है। अनुमान प्रमाण से कैसे पता लगा हमें? इसी शरीर को मैंने 8-10 वर्ष का भी देखा, 15 वर्ष का भी देखा, 20 वर्ष का भी देखा। शरीर तो चेंज होता गया, बिल्कुल छोटे से इतना बड़ा हो गया, लेकिन जो देखने वाला इस शरीर को, वो चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो ये देखने वाला है, जो मैं है, ये अलग है, शरीर अलग है, ये तो पता चलता है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है ये नहीं पता चलता हमें। अर्जुन जब कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तो स्मृतिर्लब्धा का मतलब ये है कि स्वरूप की अनुभूति हो गई। शब्द प्रमाण से प्राप्ति नहीं हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, वो तो हम सबको भी मालूम है, उनको अनुभूति हो गई। और फिर उससे भी आगे जो उनको दिव्य दृष्टि मिली, दृष्टियाँ भी कई प्रकार की बताई हैं ना, कई बार सामान्य दृष्टि भी होती है, उच्च दृष्टि भी होती है, विराट दृष्टि भी होती है महापुरुषों की, राग द्वेष की दृष्टि भी होती है, शिकायतों की दृष्टि भी होती है, अपमान की दृष्टि भी होती है, घूरने की दृष्टि भी होती है। दृष्टियां तो बहुत हैं,
क्रोध की दृष्टि होती है, आंख से पता लग जाता है ना व्यक्ति के अंदर अभी क्या चल रहा है। तो अर्जुन को कौन सी वाली दृष्टि मिली? दिव्य दृष्टि, जो सबसे सर्वोत्कृष्ट दृष्टि है। दिव्य दृष्टि का मतलब उसको सब जगह दिव्यता दिखाई दे रही है, ईश्वर दिखाई दे रहा है, ब्रह्म दिखाई दे रहा है। तो उस दृष्टि से फिर उसको सब जगह दिव्यता ही दिव्यता दिखाई देती, भगवान का ही ये विराट स्वरूप दिखाई देता है। अब हमने उसको सुना तो है गुरुजनों से कि ये सारी पृथ्वी उसके पैर हैं, अंतरिक्ष उसका उदर है, द्युलोक उसका सिर है, और ये सारा उसका सगुण साकार रूप ही है। ये हमने सुना, हमने शब्द प्रमाण से भी सुना और हमने अपने गुरुजनों के मुख से भी सुना, लेकिन तो भी हमें उसकी अनुभूति नहीं हुई। अभी अनुभूति इसलिए नहीं हुई कि वो अनुभूति होने में जो हमारे अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों के जो अविद्यामूलक संस्कार हैं वो उसको देखने नहीं देते हैं। आपने तीन शब्द सुने होंगे, मल विक्षेप आवरण। मल का मतलब है जैसे शीशे के ऊपर धूल जमी हुई हो तो हमें अपना चेहरा दिखेगा नहीं, इसका नाम है मल। और विक्षेप का मतलब है वो शीशा ऐसे ऐसे हिलता रहे यदि तो भी उसमें चित्र स्पष्ट दिखेगा नहीं, यह है विक्षेप। और आवरण का मतलब है उसके ऊपर कोई पर्दा डाल दिया हो या अखबार लगा दिया हो तो भी चित्र नहीं दिखेगा। तो ये तीनों अवस्थाएं जब तक हमारे चित्त की हैं, या तो उसके ऊपर कुछ मल जमे हुए हैं तो भी हमें आत्मा का स्वरूप बुद्धि नहीं दिखा पाएगी। और यदि वो हिल रहा है, चित्त हमारा स्थिर नहीं है, ये भी बड़ा कठिन है एकाग्र करना चित्त को। नहीं तो हम शरीर को तो एकाग्र कर लेते हैं, बैठ तो जाते हैं, लेकिन फिर मन हिलता रहता है, कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं। तो विक्षेप जब तक चित्त में रहेगा तो भी फिर आत्मा का स्वरूप दिखाई नहीं देगा। और आवरण का तो मतलब है कि बहुत ही मोटी परत उसके ऊपर जम गई, एहसास भी नहीं होता है व्यक्ति को कि मेरे अंदर कोई दोष है भी, ये आवरण की स्थिति है। तो वहां पर योग दर्शन में ही बताया है, मल को हटाने के लिए तप किया जाता है, तपो द्वंद्व सहनम। तो उससे जब उनको सहन करते हैं ना तो वो मल हटने लगते हैं। और विक्षेप को हटाने के लिए प्राणायाम को साधन बताया है, जैसे बहुत देर आप आधा घंटा ऐसे ऐसे कपाल भाति करते रहेंगे ना फास्ट गति से तो मन शांत हो जाएगा, विक्षेप हट जाएगा, फिर हिलेगा नहीं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। प्राण की स्थिरता के साथ साथ मन भी स्थिर हो जाता है। तो तप, प्राणायाम और आवरण को हटाने के लिए स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब वही चिंतन चलता रहे। स्वाध्याय के अर्थ वहाँ पे दो किए, एक तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ना इससे आवरण हटेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ना यहाँ कि हमारे से पहले कितने ऋषियों ने उसको प्राप्त किया, तो फिर व्यक्ति को लगता है मैं भी ऐसा जीवन जीऊँ, मैं भी अपने को ऐसा बनाऊँ। और दूसरा स्वाध्याय का अर्थ किया है उन्होंने ओंकार या गायत्री आदि मंत्रों का जाप करना। तो चलते फिरते खाते पीते अंदर से एक अजपा जप की स्थिति बनी रहे। और जो दूसरे मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने भी यही बताया कि कलयुग में सबसे शॉर्टकट रास्ता है जप का, मतलब हर समय जरूरी नहीं है आपके हाथ में माला हो। अभी भी मैं सुन रही थी दो चार दिन पहले, जो अपने डुमेट वाले स्वामी जी हैं, बड़े स्वामी जी पूज्य स्वामी चंद्र स्वामी जी, तो उनसे पूछ रहे थे स्वामी पूज्य स्वामी प्रेम विवेक जी कि महाराज जी गुरु पूर्णिमा पे अपने शिष्यों के लिए आपका क्या आदेश है। तो फिर बोले अधिक से अधिक सिमरन करें और दीन दुखियों की सेवा करें। तो फिर बोले जी कितना सिमरन करें, बोले अधिक से अधिक करें। बोले अधिक से अधिक का क्या मतलब, कितने घंटे करें। तो बोले जितनी बार दिन में श्वास लेते हो उतनी बार करो छुट्टी। तो जितनी बार सांस लेते हो तब तक सिमरन करो
और आसपास कोई दीन दुखी उसकी सेवा करो, मतलब दो दो ही उनके वाक्य हैं पूरे जीवन का निचोड़। तो उसमें गिनती नहीं करनी कि कितनी माला जपी या कितनी मिनट जपी, जपते ही रहो जपते ही रहो, फिर वो आदत पड़ जाती है मन को, तो उससे दूसरे विचार हट जाते हैं फिर, तो एक वो बन जाता है ना वही वही विचार। तो ऐसा इन्होंने बताया। तो ये तीन साधन हैं चित्त के, मल विक्षेप आवरण, इनको हटाने के लिए। उसके बाद फिर जब चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, प्रसाद को प्राप्त हो जाता है, तो क्या है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेत सोयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जैसे ही प्रसाद मिलेगा, प्रसाद मतलब जैसे चित्त निर्मल होता जाएगा तो इसके दुखों की हानि हो जाएगी, और हमारे दुखों की अभी हानि हुई नहीं, हमारे हम थोड़ी थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं, मतलब दुख अभी शेष हैं, और किसी के जीवन में तो ज़्यादा शेष हैं, किसी के जीवन में कम हैं, तो कोई तो बहुत थोड़े से किसी उसके प्रतिकूलता के आने से ही मतलब दुखी हो जाता है, और दूसरे व्यक्ति से गांठ बांध लेता है, तो उसको तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे हैं कि काफ़ी तो सह जाते हैं, काफ़ी पार कर जाते हैं, फिर कहीं थोड़ा बहुत अटक जाते हैं एक दो जगह, तो उनको कम पुरुषार्थ करके वो उसको हटा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नज़दीक हैं, बस बहुत थोड़ा बचा है, काफ़ी हटा दिया है, तो तीव्र संवेगा नाम आसन वो काफ़ी नज़दीक हैं। लेकिन जैसे ही चित्त पूर्ण निर्मल हो जाएगा तो उसका सबसे पहला लाभ ये है कि सारे दुखों का नाश। तो अब मेरे दुखों का नाश करना किसके हाथ में है, हमारे अपने ही हाथ में है। उसका नाश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चित्त को निर्मल करने वाले सारे काम करने पड़ेंगे सुबह से शाम तक। चित्त को निर्मल करने वाले काम हैं जल्दी उठना, ध्यान करना, जप करना, स्वाध्याय करना, कम खाना खाना, दूसरे लोगों के साथ कम बातचीत करना, ज़्यादा बातचीत करते हैं तो उलझ जाते हैं फिर, और स्वाध्याय करना, शास्त्र स्मरण करना, ज़्यादा से ज़्यादा मौन में एकांत में रहना। एकांत मतलब यहाँ क्लास में बैठ के भी कोई व्यक्ति एकांत में हो सकता है, और अकेला कमरे में रहते हुए भी भीड़ में हो सकता है, तो एकांत का मतलब है यहाँ मन का एकांत। ये सारे साधन हैं चित्त को निर्मल करने के। तो जैसे जैसे अपना चित्त निर्मल होता जाएगा, बाहर की चीज़ें देखो कभी भी नहीं बदलेंगी, बाहर के लोग कुछ ना कुछ हमारे बारे में कहते ही रहेंगे। जब हम उल्टा पुल्टा कुछ दोष करेंगे तो बोलेंगे कि इनको इतने दिन हो गए, देखो अभी तक इनके ये दोष भी सुधरे नहीं है। जब हम कुछ भी दोष नहीं करेंगे तो बोले कल तक तो ये इतने दोष करते थे, आज ही अपने आप को महात्मा समझने लग गए हैं, महामंडलेश्वर समझने लग, कहना ही है लोगों को तो। लेकिन आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके चलते रहना चुपचाप, गूंगे और बहरे बन के। गूंगे और बहरे की कहानी सुनाई है ना, पहाड़ के ऊपर चोटी पे चढ़ना था और वहाँ अमृत का कलश रखा है, बहुत ऊंची चोटी हिमालय की, तो सब लोगों के सामने खुली चैलेंज थी भाई कोई भी वहाँ तक पहुँचे अमृत के कलश को ले आए और उसको पी के अमर हो जाए, उसको मृत्यु नहीं आएगी। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बीच से में पहुँचते, कुछ तो चढ़ते ही नहीं थे डर के मारे, भाई इतना झंझट वहाँ तक कैसे पहुँचा जाएगा। कुछ चढ़ते तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही इतनी भयानक आवाज़ें आने लगती, फिर वो डर जाता, फिर उसको भी यदि पार कर ले तो आगे जाके ऐसी लुभावनी आवाज़ें आने लगती, बहक जाता, कहीं फूल आते, कहीं गंध आती, कहीं खाने पीने के लिए, तो जब जलेबी मरती दिखती हैं तो सब टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। तो वो भी ऐसे ही हुआ। तो ऐसे बहुत वर्ष बीत गए, एक व्यक्ति उस कलश तक पहुंच नहीं पाया, कईयों ने कोशिश की, सब रास्ते में ढेर हो गए। फिर पता लगा एक दिन कोई एक व्यक्ति पहुंच गया वहां पे, सदियों के बाद। तो सब मीडिया वाले आ गए, ये कैसे चमत्कार हुआ, ये कैसे पहुंच गया, पता करते हैं उससे। जब मीडिया वालों से भी
भगवान रक्षा करे, मतलब किसी का पति किसी का बेटा शहीद हो गया और उसके पिता के मुंह के पास लगा के, तो आपको कैसा फील हो रहा है आपका बेटा शहीद हो गया, भले आदमी कैसा फील होगा उसको। तो उन्होंने पूछा उस व्यक्ति से कि कैसा फील हो रहा है अमृत कलश ले आए हो, तो बोले अमर हो गए। तो ये हुआ कैसे? तो बाद में उसका परीक्षण, वो तो कुछ बोले नहीं जिसने अमृत पी लिया, उसका परीक्षण किया गया भाई ऐसा क्या है इसमें, तो पता लगा वो बहरा भी था गूंगा भी था, बोल नहीं पा रहा था वो। तो ये अंदर वाला अमृत जिसको मिलता है उसको पहले तो बहरा होना पड़ता है, बहरा मतलब सुने नहीं किसी की, किसी की मतलब शास्त्र की और गुरुजनों की तो सुने जो नीचे गिराते हैं उनकी ना सुने हाँ कभी पता लगा ये भी ना सुनो, सुने ही नहीं किसी की, तो जो वहां से हटाते हैं उनकी आवाजें ना सुने, प्रशंसा करने वालों की आवाज भी ना सुने, निंदा करने वालों की भी आवाज ना सुने, भगवान की आवाज सुने, अपनी आत्मा की सुने, अपने गुरुजनों की सुने। और गूंगा फिर इसलिए हो जाता है कि मतलब उसको कहना असंभव है, कैसे वाणी से वचन उसका वो करें, वर्णन अनिर्वचनीय है ना वो, तो इसलिए दिव्य जीवन ये जीवन की सबसे ऊंची वाली अवस्था है, और उसको प्राप्त करने के लिए साधन करता ही रहे व्यक्ति, करता ही रहे करता ही रहे, तो चित्त उसका प्रसन्न, प्रसाद के दो अर्थ हैं प्रसन्न और निर्मल, दोनों अर्थ प्रसाद शब्द के हैं, तो उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है फिर। और प्रसन्न चेत सो ह्याशु, तुरंत ही वो कैसा हो जाता है, प्रसन्न चित्त और प्रशांत चित्त। और बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जैसे अर्जुन को हुआ उसकी बुद्धि कैसी हो गई, अविचलित, नहीं तो उससे पहले हमारी बुद्धि विचलित होती रहती है, और विचलित होना स्वाभाविक है अगर हमने उसको निर्मल नहीं किया, तो फिर जैसा जैसा उसके ऊपर शीशे के सामने जैसा जैसा चित्र आएगा वैसा वैसा रिफ्लेक्शन होता चला जाएगा, सारे चित्रों को हटा दिया तो शीशा कैसे रहेगा, अपने स्वरूप में रहेगा। तो सारी वृत्तियों का निरोध होने पर क्या स्थिति होगी आत्मा की, जब सारी वृत्तियां हट गई चित्त से तो आत्मा का क्या हाल होगा, तदा दृष्ट स्वरूप व्यवस्था, अपने स्वरूप में रहेगा। तो यहां पर उसी का ही उपाय किया जा रहा है, राम के जन्म की उत्पत्ति। देखो ये ऐतिहासिक वर्णन भी है और ये हम सबके जीवन का वर्णन भी है, हमारे जीवन में राम का जन्म होना, राम का जन्म होने का मतलब है आत्म साक्षात्कार होना, अपनी आत्मा के स्वरूप का पता होना, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कौन कर रहे हैं, दशरथ, दस रथ हैं जिसके पास, माने अपनी इंद्रियों का जो स्वामी है, सिद्धि है ना एक योग दर्शन में, भूत जय इंद्रिय जय, इंद्रिय जय का परिणाम क्या है योग दर्शन में, इंद्रिय जय होने से क्या, मनो जवित्वम विकर्णम कल देख के आना, प्रधान को भी जय कर लेता है, माने पूरी प्रकृति को ही वो विजय कर लेता है, इंद्रियों को हम ऐसे ढूंढते रहते हैं। अच्छा एक दिन तो मेरे को ये भी आ रहा था, यद्यपि अभी उसको थोड़ा और उसमें ढूंढने की और थोड़ी खोज करने की आवश्यकता है, ये जो अष्ट चक्रा जो कहा जाता है, तो ये वैसे चक्र तो मिलते नहीं है कहीं साइंस में शरीर में, तो चक्र का मतलब है कि जहाँ शक्ति का केंद्र, जैसे नदी में भी वो चक्र से बन जाते हैं ना, तो वहाँ एक वो होता है शक्ति का केंद्र है, वो शक्ति वहाँ वहाँ घूमने लगती है। तो ऐसे ये जो अष्ट चक्र हैं और ये जो मूल प्रकृति का जो हम चार्ट बनाते हैं, सबसे ऊपर सत्व रजस तमसम साम्यावस्था प्रकृति, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सहस्रार चक्र है जो मूल प्रकृति है, क्योंकि उससे ही नीचे फिर पूरा विस्तार होता है ना, और फिर जो आज्ञा चक्र है वो
महतत्व है, ये ललाट वाला जो है ललना चक्र महतत्व, फिर आज्ञा चक्र है वो अहंकार है। तो यहाँ से आइडेंटिटी अलग होती है, और फिर उसके नीचे जो दो हैं दोनों चक्र, तो वो हृत चक्र एकादश इंद्रिय वाला, और फिर ये विशुद्धि चक्र, और फिर हृत चक्र पंचतन्मात्रा वाला, फिर मणिपुर, तो फिर वो आगे दो खत्म हो गई, तो इसलिए उस पर और चिंतन करने की आवश्यकता है। मतलब वो आठ पूरे नहीं हुए, तीन चार पाँच छः, तो या तो ये जो एकादश इंद्रियां हैं तो उधर दो बढ़ाने पड़ेंगे फिर। तो शक्तियां इन ये शक्तियों के ही, और ये हमारे शरीर में ही हैं शक्तियों के केंद्र। तो उस प्रकृति को देखने के लिए हमें ऐसे विचार नहीं करना कि हम कहाँ ढूंढे मूल प्रकृति को। मूल प्रकृति मतलब जहाँ से शुरू हुआ, तो इसमें और थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। खैर, तो ये बात थी कि दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, राम के जन्म की उत्पत्ति की तैयारी चल रही है, तो उसमें यज्ञ वेदिका कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए। तो हमारी ये तो ये शरीर यज्ञ वेदिका है, वेदों से यह सार ऋषियों ने निकाला है, मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। आँखों से भी यज्ञ कर रहे हैं, कानों के द्वारा भी, वाणी के द्वारा भी, त्वक के द्वारा भी, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा भी। हम आहुतियाँ डाल रहे हैं ना अंदर वाली अग्नि में, अच्छी डाल रहे हैं या बुरी डाल रहे हैं, डाल तो रहे हैं लेकिन पूरे दिन। तो कोई आँखों से राग पूर्ण दृष्टि से देखता है तो राग की आहुति डाल रहे हैं, द्वेष पूर्ण दृष्टि है तो द्वेष की आहुति, प्रीति पूर्वक दृष्टि है तो प्रीति की आहुति, करुणा की दृष्टि है तो करुणा की आहुति, सेवा की दृष्टि है तो सेवा की आहुति। और जैसी आहुति अग्नि में डाली वैसी ही अग्नि से गंध निकलती है या दुर्गंध निकलती है। तो राग की आहुति डाली तो अंदर से भी दुर्गंध ही आएगी, चित्त कैसा होगा, अशांत ही होगा। अगर प्रेम करुणा की आहुति डाली आँखों से तो अंदर से क्या निकलेगा, प्रेम करुणा की ही गंध आएगी फिर। तो यज्ञ हो ही रहा है हमारे यहाँ, और दस हमारे पास क्या है, साधन है गति करने के लिए, ये यज्ञ वेदी का है। तो ये यदि यज्ञ हमारा सफल हो जाता है पूरे दिन का, खंडित नहीं होता है यदि, और फिर ऐसा ऐसा यज्ञ एक एक दिन करके जितनी उसकी पूरी अवधि है, पूरी अवधि मतलब पूरा जीवन, तो फिर वो हमारा जीवन यज्ञ पूर्ण आहुति को प्राप्त हो जाता है। तो हमारे बहुत बड़े संत थे श्रद्धे स्वामी सोमानंद जी महाराज, गुरुजी के भी जो गुरुजी थे, तो उन्होंने तो मतलब वो जीवन मुक्त थे निश्चित रूप से, बहुत ऊंचे संत थे वो इस युग के, कम से कम इस शताब्दी के। तो फिर उनसे कोई आके पूछते थे, स्वामी जी महाराज आपने तो अपना जीवन धन्य कर लिया, तो बोलते थे भाई इस बात का पता तो उस दिन लगेगा जिस दिन हम इस संसार से चले जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, जीवन मुक्त हो गए फिर भी ऐसे क्यों बोलते थे, ऐसे नहीं कहते थे हाँ भाई आप सबकी कृपा से हो गया हमारा तो धन्य, ऐसे नहीं बोलते थे, धीरे से बोलते थे भाई इस बात का पता तो उस दिन लगेगा जिस दिन हम इस संसार से चले जाएंगे। तो मतलब ये है उनका कहने का अभिप्राय ऐसे समझ में आता है कि पता नहीं अंतिम क्षण तक कब व्यक्ति से कौन सी भूल हो जाए। तो इसलिए व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, अपने आप को कछुए की तरह से रखना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट रहता है ना कछुआ, जैसे ही कोई प्रतिकूलता ही तुरंत अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। यदा संहरते चायम कूर्मंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को जो सिकोड़ लेता है कछुए की तरह, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। तो ये ही यज्ञ हैं जो दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ ये ही है कि सारी इंद्रियों से काम करते हुए सजगता बराबर बनी रहे, बातचीत करते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, सोते हुए। लेकिन समस्या यहाँ क्या है, ये जो वाक्य हम अभी बोल रहे हैं क्लास में, ये वाक्य हम भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे,
क्योंकि ये हम हमारा एक विचार है, बोलने वाले का एक विचार है, सुनने वाले का एक विचार है, और विचार कैसे होते हैं, चेंज होने वाले, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या, विचार तो बदलते रहते हैं। इस समय जो विचार है, ये कक्षा खत्म होते ही विचार भी खत्म, पर अगर किसी ने उसकी अनुभूति कर ली, या किसी ने अत्यंत अभिप्सा से ये बिल्कुल तय कर लिया कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करके रहूंगा, चाहे किसी भी रास्ते से जाना पड़े, सेवा के रास्ते से जाना पड़े, पढ़ने पढ़ाने के रास्ते से जाना पड़े, कथा भाषण करने के रास्ते से जाना पड़े, खेती करने वाले रास्ते से मुझे आगे बढ़ना पड़े, शास्त्र स्मरण करते हुए आगे बढ़ना पड़े, रास्ता का स्वरूप कोई भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्य अटल है, एकमात्र है वो। फिर कार्य और ये पद्धतियां बाधा नहीं डालती हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, कोई चीज बाधा नहीं डालती, क्योंकि व्यक्ति का सब काम करते हुए ध्यान वहीं रहेगा,